Assalamualaikum. I am Ryan Big. I am a graphic designer. आज मैं आपको फोटोशॉप में फ्लायर डिजाइन करके दिखाऊंगा. मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी. चलाइए स्टार्ट करते हैं. अब मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ फ्लायर की. अब जो ओपन हो रही है अब जो ओपन हो चुकी है. हाउ टू डिजाइन अ फ्लायर इन फोटोशॉप. ये देख रहे हैं मैंने बनाया है, ये देख रहे हैं आप. अब मैं सबसे पहले जाऊंगा फाइल में, फिर न्यू पे क्लिक करूंगा. आज मैं आपको शॉर्टकट की बताता हूँ, कंट्रोल एन. ये देखिए कंट्रोल एन से अचानक आ जाता है हमें लेना है A4 टूल. हमारी हमेशा होती है विल्थ होती है A4 की 210 और हाइट हमारी होती है हमेशा 297 मिलीमीटर. 300 रेसुलेट. अब यहाँ से जितना करने कर देंगे लेकिन 300 करें ये जरूरी है. 8-bit RGB कलर वाइट जहाँ पे. फिर हम क्या कर देंगे, क्रिएट को दबा देंगे. अब ये हमारा आ चुका है. अब हम सबसे पहले ले लेंगे लिप्स टूल. अब पेन टूल से बनाते तो आपको बहुत ही मसला होता, पेन टूल से कभी खुशी पे कलर नहीं होता है. ये देखें जब आप पेन टूल लेंगे यहाँ पे कंबाइन नहीं है, जब कंबाइन को दबेंगे जब वो हो जाएगा वरना नहीं होगा. और जब हमें पेन टूल से कुछ आउटलाइन, जैसे मुझे ये टिक बनाया है, ये मैं टिक कैसे बनाऊंगा पेन टूल से, ये तो बन नहीं सकता. क्यों? क्योंकि हमने जब पेन टूल लेंगे ये नहीं होगा. अभी मैं क्या कर लूंगा, अब मैं सबसे पहले ले लूंगा इलिप्स टूल. ये मैं ले लूंगा इलिप्स टूल. लेने के बाद मैं इलिप्स बना दूंगा. अब जब मैं बनाने के बाद ऑल बैक स्पेस दबाऊंगा. अब जो हमारा हो चुका है, मैं थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा इस तरफ ले जाऊंगा. और फिर ले जाने के बाद थोड़ा सा नीचे करें, थोड़ा सा और नीचे करें. अभी यहाँ से थोड़ी सी गुलाई बहुत मोटी हो रही है, थोड़ा सा और नीचे, फिर थोड़ा सा बड़ा कर दें, थोड़ा सा ऊपर एंटर. अब इतना मुझे ठीक लग रहा है. अब मैं क्या करूंगा, फिर से यहाँ पे जाऊंगा, इसको मैं ऑल दबा के डुप्लीकेट करूंगा. इसका कलर मैं दे दूंगा ब्लैक. और फिर मैं F7 दबाऊंगा और जो मैंने इसका कलर दिया है इसका कलर मैं दे दूंगा येलो. और फिर इसका कलर येलो देने के बाद मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, इसको पीछे. अभी अभी हम एक पिक्चर लगाएंगे, वो कैसे लगानी है आपको बताते हैं. इसमें नई चीज है कोई, जब मैं इसको मिनिमाइज करूंगा, ये मेरी जो पिक्चर है जो मुझे लगानी है वो मैं ढूंढ ले आता हूँ. इधर से मैं फोटोशॉप में पिक्चर ले आया. लाने के बाद मैं इसको यहाँ की तरफ कर दूंगा. ये देखिए अभी जब तक आप पिक्चर लेंगे तो ब्लर हो रही है, जैसे आप एंटर दबेंगे वो अनब्लर हो जाएगी. ये देखे आपने, ये सीधा हो गई. फिर मैंने कंट्रोल T दबाया पीछे, ये देखें फिर हो गई. फिर मैंने बस कर देना है एंटर. फिर मैं क्या करूंगा, इसको राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट क्लिपिंग मास्क. ये एक नई चीज थी, आप बस राइट क्लिक करेंगे. आप जब आप उसको इसमें चाहताना है तो रिलीज क्लिपिंग मास्क भी कर सकते हैं. अब जो हमारा हो चुका है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे लिफ्ट टूल ले लेंगे. ये लेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आपके हमेशा काम आएंगी फोटोशॉप में और जब भी आप कुछ बनाएंगे ये जरूरी होगी. फिर मैं ले लूंगा एलिप्स टूल पर से, फिर मैं एलिप्स बना देता हूँ. इधर मैंने एलिप्स बना दिया है और फिर इसको मैंने ऐसे करा. फिर मैं लेयर पे गया, इसका कलर तो कोई देना ही ना मुझे. फिर मैं इसका कलर देने के बाद यहाँ पे जाऊंगा, इसका कलर देना है यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे और बैक स्पेस. इतना अच्छा लग रहा है कलर. फिर मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ, फिर मैंने कंट्रोल T किया, थोड़ा सा मैं ऊपर ले गया. अब ये देखें इसमें नीचे हुआ हुआ है इधर तक और यहाँ पे ऊपर. इसको नीचे कैसे करना है आपको बताता हूँ मैं. यहाँ पे इस वाली वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ. यहाँ पे आप इसको पीछे करेंगे, अब इसके बस पीछे आ गया. फिर हमें इसके भी पीछे करना है. आप क्या करना है, ले अच्छे इसको उठाए और फिर सीधा पीछे इसको भी नीचे ले जाए. ये देखा आपने, आराम से आपके ये हो गया है. अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मैं फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं क्लिकने के बाद ले लूंगा फिर से एलिप्स टूल. एलिप्स टूल लेने के बाद इधर मैं बना दूंगा एलिप्स टूल. इधर मैं एलिप्स बना दूंगा, फिर मैं इसको इस तरफ, इसको इस तरफ. फिर मैंने कंट्रोल T किया, थोड़ा सा मैंने बड़ा किया, फिर इस तरफ, फिर एंटर. अब ये देखे यहाँ पे ये कलर है. जब हम इसको यहाँ पे ग्रे थोड़ा कलर दे देंगे
जब नहीं होगा, जब हम ऑल बैक स्पीड दबाएंगे जब ही होगा आपको, वरना नहीं होगा। देखिए मैं ऑल दबा दूं बैक स्पीड, जो भी आप ऑल बैक स्पीड दबाएं जब ही होगा वरना नहीं होगा। फिर मैंने कंट्रोल टी किया, बैक स्पेस माने जब आप किसी को मिटा रहे हो, जो आपका होता है ना, जब आप टैक्स लिखते हैं बैक स्पेस दबा रहे होते हैं, उससे हटता जाते हैं, वैसे आप कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ले लूंगा, अब मैं फिर से यहाँ पे जाऊंगा कस्टम शेप, मैंने आपको वो बताया हुआ है पहले, मैं फिर इधर इंटरनेट का एक आइकन रख देता हूँ, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ आप वो समझ गएंगे। फिर मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ ले जाता हूँ, फिर थोड़ा सा मैं ऊपर ले गया, फिर मैं इसका कलर तकरीबन ब्लू दे देता हूँ, फिर मैंने ऑल बैक स्पेस दबा दिया, ब्लू हो गया हमारा कलर थोड़ा सा ऊपर, मैंने कंट्रोल टी करा, फिर मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ, फिर मैंने एंटर दबा दिया, फिर हमारा ये हो चुका है, ये देख रहे हैं आप। अब मैं क्या करूंगा, फिर से मैं इस सर्कल की डुप्लीकेट करूंगा, इस सर्कल की डुप्लीकेट करने के बाद हम इसको ग्रेडिएंट देंगे, ग्रेडिएंट का जो आपको बताता हूँ मैं, यहाँ पे जाए, यहाँ पे सिंपली आ रहा है ग्रेडिएंट, यहाँ पे ग्रेडिएंट को दबाए, जब आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाए, यहाँ पे आप फिर इधर डबल क्लिक करें, यहाँ पे लेयर पे इधर डबल क्लिक, ये देखें अब ये हमारा आ गया है। फिर जब हम ग्रेडिएंट लो पे जाएंगे, अब हमें कुछ इस तरह का देना, लेकिन हमें सबसे पहले इधर जाने रेडल करें, ये देखें ये हो गया, लेकिन अभी हमें एक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पहले हम जब इधर व्हाइट, जब हम इसको इधर कर देंगे और इसको इधर, और जो ब्लू वाले इसको हम डिलीट कर देंगे, फिर इधर से भी हम डिलीट कर देंगे इसको ब्लू वाले को, इधर हम दे देंगे व्हाइट। अब मैं इसको इसको थोड़ा सा इस तरफ ले जा रहा हूँ, ये जो ये है, ये आया था, इसको भी मैं थोड़ा सा इस तरफ ले जा रहा हूँ, फिर मैंने ओके किया, ये देखिए हमारा ऐसे ग्रेडिएंट हो जाता है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर से मैं यहाँ पे जाऊंगा, फिर मैं नीचे करता रहूंगा, जहां से आपको आसानी से जो शेप चाहिए वो मिल सकती, बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे यहाँ से शेप, जहां से मैंने इसको बना दिया है। फिर बनाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूँ, फिर ऑल बैक स्पेस दबाया, ये ब्लू कलर था वो यहाँ पे आ चुका है। फिर मैंने इसकी डुप्लीकेट की फिर से, फिर मैं डुप्लीकेट करने के बाद थोड़ा सा ऊपर ले गया, थोड़ा सा बस। अब इतना ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे जाएंगे, फिर हम ले लेंगे शेप टू, फिर हम यहाँ पे जाएंगे, फिर हम इसको कर देंगे, लेकिन अभी हमें इधर जाना है, फिर इसको थोड़ा सा और बैक स्पेस, लेकिन अभी हमें इस पे ग्रेडिएंट नहीं देना है, फिर हम यहाँ पे जाएंगे, फिर और बैक स्पेस, इसको हम डिलीट करते हैं, फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर इसकी डुप्लीकेट कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा बस। अब ये हमारा हो गया, अब ये जो अवर सर्विसेस है मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, ये अवर सर्विसेस को मैंने डुप्लीकेट कर दिया है, अब ये देख रहे हैं आप। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, फिर नीचे करने के बाद मैं क्या करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसको भी डुप्लीकेट कर देता हूँ, मैंने आपको पहले भी बहुत वीडियोस में बताया भाई, लिखने पे टाइम मत देंगे बस ले आएगा। अब जो मैंने आपको अभी बताया था टिक कैसे लाना है वो बताता हूँ, यहाँ पे जाए आसानी से, फिर यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ऊपर से देख लें, यहाँ से मिलता है टिक, इधर आपको जरूर मिलेगा टिक, नीचे करें, ये देखिए ये हमें टिक मिल गया, ये देखा आपने, आपको आसानी से इधर हर चीज मिल सकती है, देखा आपने, मैं आसानी से बस चीजें ले आ रहा हूँ, खुद बनाने की जरूरत नहीं है, बच्चे पर आराम से लाए, कलर बदलें, बैकग्राउंड आप इसका बैकग्राउंड विदाउट बैकग्राउंड है, इधर बहुत अच्छी अच्छी इसमें शेप्स होते हैं। फिर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, फिर मैंने ऑरेंज कलर, ऑल बैक स्पेस, फिर मैंने ऑल दबा के डुप्लीकेट, ऑल दबा के डुप्लीकेट, फिर मैं इसको थोड़ा सा और नीचे ले जा रहा हूँ। फिर ले जाने के बाद मैं क्या करूंगा, फिर मैं इस तरफ फिर से चला जाऊंगा, अब फिर मैं यहाँ पे जाके ये जो ये है इसको मैं बस सिंपली कॉपी कर देता हूँ, इसके साथ ये जो मैंने लाइन डाली है ये भी आपको बता दे रहा हूँ, ये लाइन नहीं है असली ब्रश है, जब आप ब्रश पे जाएंगे ना, फिर यहाँ पे आपको जब आप ब्रश पे जाएंगे, फिर मैं यहाँ पे एक नई लेयर बना देता हूँ, अब जब आप ब्रश पे जाएंगे ऐसे ही बन सकता है, देखें शिफ्ट दबा के रखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, इस वजह से
अब मैं क्या करूंगा, पिल्चे नहीं लूंगा मैं रेक्टेंगल टूल। मिनिमाइज। थोड़ा सा मैंने रेक्टेंगल टूल लिया, फिर मैंने इधर रेक्टेंगल बनाया। फिर रेक्टेंगल बनाने के बाद मैं इसको कलर दे देता हूँ रेड। फिर रेड देने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पिल्चे चला जाता हूँ। फिर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। फिर मैं ले लेता हूँ पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल लेने के बाद मैं इसको यहाँ की तरफ चीज को ऐसे करता हूँ। ये देखें, अब जैसे बाहर आ रहे इसके अंदर कैसे करना है आपको बताता हूँ। थोड़ा सा इस तरफ कंट्रोल दबाएं, थोड़ा सा ऐसे, अब इसको ऐसे। फिर मैंने एंटर दबा दिया, फिर मैं यहाँ पे गया, फिर मैं इसका कलर थोड़ा रेड डार्क दे देता हूँ। फिर मैंने ऑल पैकेज फिर दबाया। अब ये देखें, ये आ रहे सामने। अब हम इसको बैक की तरफ जाने तो कैसे जाने, इसको नीचे कर दे। ये देखें, ये हमारा हो चुके। ऐसे आसानी आसानी चीजें होती है। अब ये जो मैंने लिखा है ईमेल, फोन और ये जो नेट के बारे में मैंने डुप्लीकेट कर दिया। अब जो मैंने डुप्लीकेट करने के बाद सबको मैं ऊपर ले जाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर। अब ये हमारा हो गया है, ये देखें, ये देखें हमारा हो चुका है। ये देख रहे हैं आप, ये देखा आपने आसानी से। अभी हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे, इसको थोड़ा सा इस तरफ, इसको भी थोड़ा सा इस तरफ, इसको भी थोड़ा सा इस तरफ। फिर एंटर दबा दिया, कंट्रोल टी, अभी इसको थोड़ा सा बस। अब ये देखिए हमारा हो चुका है, ये देख के, ये देख रहे हैं हमारा बन चुका है। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये देखें, ये हमारा बन चुका है। इसको थोड़ा सा नीचे बस, ये देखिए हमारा बन चुका है। आज की आपको वीडियो पसंद आई तो, ये देखिए हमारा बन चुका है। आज की आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। जब तक लिए मेरी तरफ से गुड बाय।